आंसू देखते ना तो कलेजा छलनी हो जाता है। मेरी बहनों आंसू मत बहाना, तुम्हारे एक एक आंसू पे लोगों को आखिरी कतरा बहा देंगे हम लोग, क्या बात करती है। आंसू मत बहाओ, देखो न्याय तब होगा जब वो फेडरेशन के अध्यक्ष पद को अगर नैतिकता होती छोड़ देते, नैतिकता नहीं, वो कोई सोच कोशिश करे कि बच जाए बच जाए। अगर अपराध करके बचना चाहोगे तो फिर कैसे चलेगा, कैसे संभव हो पाए। इसलिए देखो प्रधानमंत्री जी से हमारी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि सवाल ये कि जब आप सबको सबके आंसू पूछ रहे थे, जो हारा जो जीता, जिन्होंने देश को गौरव किया, तो आपकी तरफ से एक आदमी तो आता उनके आंसू पूछने के लिए। और अगर देखो मैं ये भी कह रहा हूं स्पष्ट, यहां हमारे सभी भाई मौजूद, जाति धर्म पार्टी सब चीजों पर उठ के, अगर किसी सरकार के अलावा किसी दूसरी पार्टी के लोगों से अपराधी जुड़ा होता तो सरकार के लोग हिला कर लेते सब कुछ। लेकिन बुरा यह है कि सरकार से जुड़े हुए लोगों पर आरोप है, तो आप ये देखो उनके यहां भी महिला नेता, एक महिला नेता अगर ये कह दे, कहते ना जमीर जिंदा होता आदमी इंसाफ की बात कर ले, यही कह दे कि भाई निष्पक्ष जांच हो जाए, बताओ दिख नहीं रहा इतनी बड़ी बड़ी नेता उनकी पार्टियों में नहीं दिख रहा है, ये तो कह दो निष्पक्ष जांच करा दो, इसी का दबाव हो जाए। अगर आप सब लोग देशवासी मेरी बात पर गौर करें, अगर अपराधी हमारा है तो हम चुप रहेंगे, अगर अपराधी दूसरी पार्टी का तो हम भूलेंगे, इसको जिंदा रहना कहते हैं, जो जिंदा रहना नहीं होता। ये तो मुंह दिखाई की बात हुई, मेरा तो ये मानना है, मैं तो अभी अपील करूंगा अपनी महिला नेताओं से जो तमाम पार्टियों में, आओ ना बैठो इनके बराबर में, आप किसी भी पार्टी में आओ ना, इनके लिए न्याय की मांग करो अगर आप जिंदा, फिर आपके उन कुर्सों में बैठने का कोई फायदा नहीं है जिन कुर्सों पर बैठ के आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, महिलाओं को न्याय देने की बात कर रही हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रही हैं। कौन सी सुरक्षा, जिस देश में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, जो बच्चा सुरक्षित नहीं है, जो देश को गौरवान्वित करती है, तो कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए मेरी मीडिया के माध्यम से अपील है प्राइम मिनिस्टर जी से, वो हम सबके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इनके भी प्राइम मिनिस्टर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है या नहीं है, बताओ बताओ तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर है या नहीं। इनके माध्यम से हमारी दो तीन अपील ये हैं, पहला वो नैतिकता के आधार पर बलभूषण छोड़ दे और जांच होने दे, पहला। दूसरा, कोई भी अगर जांच कमेटी बनानी है न्याय देने के लिए तो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बने, सरकार के लोगों से कोई भरोसा नहीं, क्योंकि सरकार के लोग से मदद कर ले रहे। तीसरा, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, पहले उनकी गिरफ्तारी